अरे भाई टिफिन बॉक्स कहाँ है, लेट हो जाऊंगा। स्नेहा स्नेहा, आज बाहर ही कर लेना। क्या यार तुम्हारा रोज रोज का यही रहता है? घर का सारा काम करूँ, फिर क्लाइंट को डील करूँ, क्या क्या करूँ मैं? ये जो तुम्हारा लैपटॉप में जो तुम भर दिन बैठकर ये डेकोरेशन करते रहती हो, उसमें कितना वक्त लगता है सब मुझे पता है। ओ हेलो, इट्स इंटीरियर डिजाइनिंग। हाँ वही, ठीक है, समझ गया मैं। तुम कितने बदल गए हो, शादी से पहले मूवीज, पार्टीज एंड कैफे, अब ये सब तो सपना रह गया है। अरे ये भी तो देखो यार, शादी से पहले हम दोनों कॉलेज लाइफ में थे, करने को कुछ था नहीं, टाइम तो देता ही तुम्हें। रहने दो तुम। अरे ऑफिस भी तो है यार, नहीं कमाऊंगा तो खिलाऊंगा क्या? अच्छा तो तुम कमाते हो, मैं नहीं कमाती, तुम अकेले घर चला रहे हो। यार तुम बेवजह बात को बढ़ा रही हो। मैं बात को बढ़ा रही हूँ? मैंने तुमसे शादी क्यों की? छोड़ो यार, घर को तुमने चिड़ियाघर बना रखा है। दरभंगा के कलाकार शॉर्ट फिल्म बनाकर मचा रहे धमाल, वहीं दरभंगा के लोग इस बात से बेहद खुश हैं कि पूरे मिथिलांचल में एक से एक कलाकार अब उभर कर सामने आ रहे। दरभंगा शहर के नाका 5 पर शूटिंग की गई एक ऐसी ही शॉर्ट फिल्म मखाना खीर, जो मिथिला में बहुत तेजी से वायरल हो रही, जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे। इस शॉर्ट फिल्म को प्रोड्यूस सुनीता कुमारी, नवल किशोर और शीलनिधि ने की है, वहीं डीओपी अनिश सिन्हा ने की और कलाकार के रूप में शीलनिधि और मुस्कान श्राफ थे। वहीं राइटर एडिटर डायरेक्टर शीलनिधि ही थे और एसोसिएट डायरेक्टर आदित्य कर्ण थे। वहीं शॉर्ट फिल्म में सहयोग के तौर पर कलर अपग्रेडिंग मनिकेत ने की। वहीं आपको खास बात बता दे कि शीलनिधि लगातार शॉर्ट फिल्म एक के बाद एक लॉन्च कर रहे, जिसे देख मिथिला के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे। वहीं दूसरी ओर इस शॉर्ट फिल्म में कलाकार के तौर पर रही मुस्कान श्राफ ने कई शॉर्ट फिल्म की है, वह कोई भी आती हुई शॉर्ट फिल्म में काम करने से कभी मना नहीं करती। उनका कहना है कि मिथिला को एक नई पहचान देना चाहती हैं, जिसकी वजह से वह लगातार मेहनत कर रही।